तो ऐसे प्रिंसेस रिवा एक इस तरह की विलन टाइप है जिससे खुद विलन बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। और तो प्रिंसेस रिवा बाकी लोगों को नॉर्मल इंसानों की तरह ट्रीट भी नहीं करती। जब रेओ ने उस लड़की का बहुत सारा बेरहमी से मर्डर करा था तब वो सिर्फ एक रिवेंज नहीं था, लेकिन हाँ वो चीवर रिवन डीड्स के लिए काफ़ी सारा खतरनाक साबित हो सकता था। फिर रिवा अपने मन में कहती है, जब मैं इस नॉवल को पढ़ रही थी तब मैं बहुत सारा हैरान हो रही थी कि जीवन रीवा आखिरकार इस तरह से मरने वाली है, लेकिन मैं सच में इस तरह से नहीं मरना चाहती हूँ, नहीं। और गाइस तो तभी वहाँ पर इस चीज का सबसे बड़ा विलन यानी कि चीवन में आ जाता है और कहता है, काफी सारा अच्छी बात है, ऐसा लग रहा है कि आज वह रो नहीं रही है। फिर से ये जवाब देती है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वो पहले से काफी सारा अच्छा महसूस कर रही है। विलन को देखते ही रीवा अपने मन में बोलती है, अगर तुम अभी थोड़ी देर तक यहाँ से नहीं गई तो मैं फिर से रोना शुरू कर दूंगी, जाओ यहाँ से। फिर विलन रीवा की थोड़ा सा पास को जाता है और उससे घूरने लग जाता है। फिर रीवा कहती है, अगर ये ऐसे मुझे देखकर घूरता रहा तो। इतना कहते ही जो उससे पहले खाना खाया होता है वो विलन के ऊपर थूक देती है। फिर तो चांस सीओ बहुत सा डर जाती है और रुक कहती है, लीडर क्या आप ठीक हो? फिर सीओ का उसे जल्दबाज करने लगती है और बोलती है, रुकिए मैं आपको अभी एक हैंडकरचीफ देती हूँ, उससे आप अपना मुंह साफ कर लीजिएगा, और मैं रीवा की तरफ से आपसे माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। फिर विलन जवाब देता है, अरे नहीं कोई बात नहीं, रीवा अभी छोटी सी बच्ची है, भूल जाओ इसे। फिर रीवा थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, क्या विलन ने कल्टीवेशन का इस्तेमाल करा ताकि वो मेरी थूक को अपने मुँह से हटा सके? ये तो बहुत ही सारा चलाक निकला। फिर तभी रीवा अपने मन में सोचने लगते हैं कि वहाँ के बाकी के लोग उसकी बहुत सारी तारीफ करते रहते हैं, और ये सब कुछ होते ही वो अपने मन ही मन बहुत सारा खुश हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि विलन फिर से रीवा को घूरने लग जाता है। फिर रीवा थोड़ा सा डर जाती है और रुक कहती है, ये तो मुझे ऐसे ही घूर रहा है जैसे कि कोई टीचर हो और वो किसी स्टूडेंट के टेस्ट सब्जेक्ट को चेक कर रहा हो। फिर हम देखते हैं कि विलन अचानक से थोड़ा सा पीछे को जाता है और ये देखते ही रीवा थोड़ी सी हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, क्या वो मटीरियल आर्ट्स का यूज कर रहा है मुझसे बचने के लिए? हाँ जिस तरह की हमारी स्टोरी है, अगर डैड अपनी बेटी में इतना सा इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे अपनी बेटी को और भी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, इससे वो अपनी बेटी को और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएगा। सच में इस विलन में तो दिमाग नाम की कमी है, मैं जल्दी से जल्दी इस विलन के घर से निकलना चाहती हूँ। जब तक नावल की असली स्टोरी खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं आराम से पहाड़ों में जाकर रह सकती हूँ। वैसे भी रेओन मुझे छोड़ने के लिए इतनी सारा मेहनत तो करने नहीं वाला है ना, और हाँ अगर आगे जाकर मुझे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अकेले रहना है तो मुझे मटेरियल आर्ट सीखने ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं चौनवा को मना पाऊंगी कि वो मुझे मटेरियल आर्ट सिखाए, लगता है कि मुझे बड़े होकर मटेरियल आर्ट्स किसी और से ही सीखना होगा, है ना। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती हैं और रुक कहती हैं, मैं आपको देखकर बहुत सारा खुश हूँ। तो जो अफवाह सभी ने फैलाई हुई थी कि आज आप यहाँ पर अपनी बेटी को देखने आने वाले हो, वो ली अफवाह बिल्कुल सच थी। फिर रीवा की मॉम उसके थोड़ा सा पास को जाती है और उससे कहती है, रीवा तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखने के लिए कितना सारा तड़प रही थी, सॉरी मैं तुमसे मिलने इसलिए नहीं भी आ पाई क्योंकि मैं अपनी खुद की हेल्थ का ख्याल रख रही थी। फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम अपनी बेटी यानी कि रीवा को उठाने लगती है। फिर रीवा अपने मन में कहती है, अरे ये क्या, जो ओरिजिनल स्टोरी चल रही थी और जो विलन आया था तब मुझे ऐसा लगा था कि मेरी कोई मॉम है ही नहीं। फिर उसकी मॉम कहती है, लीडर का बहुत बहुत शुक्रिया, आखिरकार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं आज एक माँ बन पाई हूँ। फिर हम देखते हैं कि विलन भी उन दोनों को दूर से देख रहा होता है और फिर हमें पता चलता है कि रीवा काफी सारा अनकम्फर्टेबल फील कर रही है अपनी मॉम की गोदी में आकर। फिर तभी रीवा की मॉम उसे एक छोटा सा पिंच करती है और उसके इतना करते ही रीवा बहुत ज़ोर से रोने लग जाती है और रोते रोते अपने मन में बोलती है, आखिरकार ये किस तरह की माँ है, ये अपनी बेटी को और कितनी सारा बार रोते हुए देखना चाहती है। फिर तभी उसकी मॉम बोलती है, सॉरी डार्लिंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हें मेरी वाली बीमारी ना लग जाए। फिर उसकी मॉम विलन की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, आखिरकार आज हमारी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर है तो फिर क्यों ना हम सभी ड्रिंक्स लें। फिर विलन उसके इस बात को इग्नोर कर देता है। फिर हम देखते हैं कि रीवा की मॉम रीवा को किसी और कमरे में ले जाती है और बोलती है, ये कितनी सारा भारी है, और हम देखते हैं कि वो रीवा को ऐसे वहाँ पर फेंक देती है। फिर तभी चांस सीओ वहाँ पर आकर उसे कैच कर लेती है। फिर रीवा की मॉम बोलती है, हाँ तो तुमने कहा था कि लीडर यहाँ पर हमेशा आते हैं, है ना, इसका मतलब ये है कि वो अपनी बेटी से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। जब मैंने उसे जन्म दिया था तो मुझे ऐसा लगा था कि वो किसी भी काम की नहीं होगी, लेकिन मैं गलत थी। फिर तभी वो रीवा के हाथ से उसका खिलौना छीन लेती है और बोलती है, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे काफ़ी सारा इस्तेमाल की होगी मेरी प्यारी बेटी। फिर रीवा अपने मन में बोलती है,
अच्छा तो मेरा इस्तेमाल करी है अपने और विलन के विषय काफी सारे अच्छा रिलेशनशिप बनाने में। फिर युवा की माँ बोलती है, हाँ तो फिर अब तुमने उस बच्चे को नीचे गिराया तो चलो अब हम गिफ्ट चेक करते हैं। किंगडम्स ने उसे कल्टीवेशन फील्ड्स दिए हैं, है ना? और तो और ये वाला खिलौना है, ये भी तो गोल्ड का ही बना है ना। फिर से ये जवाब देती है, नहीं बोली गिफ्ट रीवा के हैं, तुम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। फिर उसकी माँ जवाब देती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, कल्टीवेशन पिल्स एक इस तरह के इंसान को दी जाती हैं जिससे कल्टीवेशन आती हो, और इस बच्ची को तो कल्टीवेशन भी नहीं आती, मुझे वो होना चाहिए था जिससे मिलनी चाहिए थी। फिर से युग कहती है, ठीक है मैं समझ गई, मैं वो आपको दे दूंगी। फिर तो उस सीए को पता चलता है कि रीवा के शरीर में बहुत सारा दर्द हो रहा है। फिर उससे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे एक पिंच करा था। फिर सीओ रीवा की मॉम से कहती है, हे यो यंग मुस है, आपको उसे इस तरह से पिंच नहीं करना चाहिए था, उसकी बहुत सारा दर्द हो रही है। फिर रीवा की मॉम जवाब देती है, अच्छा वैसे वो ठीक ढंग से पेश नहीं आ रही थी इसलिए मैंने ऐसा करा, वैसे भी छोटे बच्चे को तो मारना पड़ता ही है ना। फिर सीओ उसे गुस्से में जवाब देते हुए कहती है, नहीं रीवा हमारी दुनिया के सबसे बड़े विलन की बेटी है, मैं इस बात को ऐसे ही जल्दी नहीं देने वाली हूँ। फिर रीवा की माँ हंसने लग जाती है और रुक कहती है, अच्छा तो वो तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे, है ना? वैसे क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस या फिर प्रूफ है मेरे खिलाफ? अब शायद तुम अच्छे से जानती भी नहीं हो कि मैं हूँ कौन। वैसे तुम्हें नॉर्दर्न सी के आइस पैलेस के बारे में तो पता ही होगा ना? जी हाँ मैं वहाँ की बेटी हूँ। और तुम्हें तो पता ही होगा ना कि वहाँ के लोग कितने ज़्यादा अमीर हैं। अगर उन लोगों को पता चलेगा कि उनकी बेटी पर एक छोटी सी खरोच भी आई है तो वो लोग उस बंदी को छोड़ेंगे भी नहीं जिसने मुझे खरोच पहुँचाने की कोशिश करी है। तो फिर इसलिए मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता देना चाहती हूँ कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। फिर रिवा अपने मन में कहती है, हाँ अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल सही है। मैं हैरान हूँ कि कोई अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। क्या ये ऐसा सब कुछ किसी को पाने के लिए कर रही है? फिर उसकी माँ मुझसे कहती है, अगर मैं रीवा के बारे में सोची तो मैं तब सारा खुश होती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी इसके साथ, क्योंकि उन दिनों में जो सेक्टर लीडर था वो हमेशा मुझसे मिलने आया करता था। फिर रीवा की माँ सीओ की थोड़ा सा पास को जाती है और उसके कान में कहती है, हे तुम आखिरकार खुद ही सोच कर देखो कि अगर ये बच्ची गुम हो गई तो क्या सेक्शन लीडर मुझसे रोज मिलने आया करेंगे इसी तरह? उसके नगती उसकी बहुत सारा डर जाती है और रुक कहती है, प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने शर्ट वापस लेती हूँ, सॉरी। फिर रीवा की माँ हंसने लग जाती है और बोलती है, हाँ अब मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम सब कुछ समझ गई हो जो तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर वहाँ से जाने लगती है और उषा जाते कहती है, जो कल्टीवेशन पिल्स है वो तुम मेरे कमरे तक पहुँचा देना, और हाँ वो जो बच्ची है उसे वहाँ पर थोड़ा सा लीड लगा देना जहाँ पर उसे दर्द हो रही है। वैसे भी किसी छोटी सी प्यारी सी बच्ची को ऐसे मारना ठीक नहीं है, तुम्हें उसे ऐसे नहीं मारना चाहिए था। मैं इस बात को जाने दे रही हूँ, लेकिन हाँ ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। फिर सीओ रोने लग जाती है और रीवा से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मिस, प्लीज़ ये सारी सारी मेरी गलती है। फिर रीवा अपने मन में बोलती है, सीओ आखिरकार ये तुम्हारी गलती नहीं है, प्लीज़ रो मत, तुम बस इंतज़ार करो, अगर मैं इस दुनिया की एक पार्ट होंगी तो मैं उसे छोड़ने नहीं वाली हूँ। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो गाइस फिर अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ये वीडियो को कमेंट करके बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना ताकि मैं जैसे कोई नई वीडियो अपलोड करूँ वो तभी सबसे पहले आपके पास आ जाए। और यार आगे जाकर आपको यहाँ पर इस तरह के बढ़िया बढ़िया एनिमे और कॉमिक्स के हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखने को मिलते रहेंगे। और फिर अगर आप सभी चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, @animeshlogger मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आप सभी को एनिमे के फैक्ट्स देखने काफ़ी सारा अच्छे लगते हैं तो आप सब मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर ऐसे ही एनिमे के फैक्ट्स डालता रहता हूँ पोस्ट में और रील्स में। और मैं आपसे मिलता हूँ कैसे अमेरिका इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।